लड़की की आवाज सुनते के साथ ही। हेलो, हाय, बोलिए। पता नहीं कैसे बताऊं, बट आपको बताना क्या, बोलिए। एक गाना सुनाना है। गाना सुनिए ना। सुनाइए फिर। सब क्या छुपाओ तुझे सीने से लगाना है, प्यार मत तेरे हाथ से गुजारो जाना है। क्या हुआ, आपको अच्छा नहीं लगा? नहीं, अच्छा ही गाना ना, बहुत अच्छा। तो फिर आगे सुनिए। इतना प्यार किसी से पहली बार आ रहा हो। आप हंस रहे थे, आपको अच्छा नहीं लग रहा है? नहीं नहीं, इतना अच्छा गाना था कि हंस रहे थे। बहुत ही प्यारा गाना है। और थोड़ा है, सुन लीजिए। हेलो। हाँ हेलो, दोबारा सुनना है? नहीं अभी रख देते फोन। हेलो। सिंगर को पहचाने और जीते 1,00,000 से ज्यादा की धनराशि। कंपटीशन में भाग लेने के लिए बीप के बाद 1 दबाएं। सब क्या छुपाओ तुझे सीने से लगाना है, प्यार मत तेरे हाथ से गुजारो जाना है। बता। हेलो, बता कौन है सिंगर? कौन? बता कौन है सिंगर? पता नहीं। पता नहीं, फोन पे तुम लड़कियों से गाने सुनते रहते हो? लेकिन आप कौन हो? इतना टाइम है तुम्हारे पास में? लड़कियां फोन करती है, बोलती है भैया दूसरा लाइन सुनिए। इतना प्यार किसी से, और तुम वो भी सुनते हो? पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है, खाली घर में बैठ करके ला 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 चल रहा है। मैं आरजू प्रवीण बोल रहा हूँ, मजे ले रहे थे हम तुम्हारे। अरे अब सिंगल बैठे हम लोग, आप लोग ये मजाक सोच रहे हैं हमसे? लड़की की आवाज सुनते के साथ ही। सब क्या छुपाओ तुझे सीने से लगाना है, प्यार मत तेरे हाथ से गुजारो जाना है। तुम जैसे लड़के होते हैं जो लड़की की आवाज सुन के हवस की गंगा में बह जाते हैं। किसी हवस के पुजारी को भेज दीजिए जो लड़की की आवाज सुनते के साथ ही गंगा में। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दीदी, आप जो मेरा सब्जी दुकान पे आती है ना सुबह, हाँ हाँ हाँ, जो मेरा छोटा छोटा मिर्ची आप ले जाती है, छोटा छोटा नींबू आप ले जाती है, हाँ, कभी बड़ा धनिया भी ऐसे उठा करके आप ले जाती है, वो खाड़ करके है ना। दीदी 7,500 रुपए का हमारा बिल हुआ, हम पूरा अपना लेजर बैलेंस और ट्रायल बैलेंस मिलाए, मिर्ची धनिया नींबू का। हाँ तो ये साल भर से तो आप उठा के ले जा रही है, तो पैसे भी दे। कहाँ पैसे देती है, वो तो आप फ्री का आइटम बोल के ले जाती है, बोलती है भैया दो ठंडी मिर्ची ले ले, आई सेंड माय राइडर टू कलेक्ट पेमेंट। ओके मैम, आप छोड़िए फोन, भिखार नौरत। हेलो सुने। We are just calling to state that the finance department has audited your vegetable account and we have found that you have not cleared your coriander bill. What are you saying? Are you mad? This is the first. मतलब आप है कौन? जिस सब्जी वाले से सब्जी लेती हैं उनके accountant बोल रहे हैं। सब्जी वाले का accountant? क्यों नहीं हो सकता? मामूली आदमी नहीं है हमारे साहब, इनका 15 बीघा का खेत है, ये अपना ताजा उगाते हैं खीरा, ताजा उगाते हैं केला और हटाते हैं लोग छिलके और खाते हैं, इनका खीरा जरा भी तीखा नहीं है। मैडम अच्छा बात बोल रहा है, मेरा मतलब जो खीरा है ना उसका तो लोग दीवाना है, सुबह सुबह औरतें पागल हो जाती है। धनिया की पत्ती में जो मिर्ची फस के गई है हमारी, अभी तो मैं उसका अभी कैलकुलेट बस कैलकुलेट। अभी मैडम फॉर्म में आइए बंगला में। हाँ, कंगाली औरत है, उठा के ले जाती है, तो किसी का बच्चा उच्चा भी उठा लेती होगी, तो उठाने में माहिर है। ना ना, धोने चुरी ना है, धोने उनमें की चूर। बच्चे कितने आपके? सब्जी दुकान तो धोने मिर्ची सब उड़िए। मैडम खीरा लेंगे हमारे से? नहीं नहीं, खीरा तो आपको दिलाएंगे हम, देखो खीरा लौकी भी आया फ्रेश। हेलो 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 हेलो, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से। हमने हमने एक एड दिया था हाथ में ऐसे मोबाइल लेके, आपने उस एड में इंटरेस्ट दिखाया था बेटा। मैंने ऑरेंज रंग की टी शर्ट पहनी थी, वेरी कलरफुल पर्सन। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। बेटा आर यू स्टिल इंटरेस्टेड? यस यस, मुझे एक्चुअली वो मॉडल दिखाया था वही चाहिए था। सो डार्लिंग, सिर्फ बॉक्स पैकिंग नहीं है, अदरवाइज मॉडल एकदम कमाल का। इतना पुराना होगा मतलब? ये तो बेटा देखो, जहाँ तक मुझे याद है 67 ईयर्स ओल्ड।
1949 का फोन नहीं लगता है वो आपने, तो 1952-53 होगा बेटा, वही कुछ ऐसा। एक सेकंड, एक कंफ्यूजन है, आप किस चीज के ऐड के बारे में बोल रही हो बेटा? ऐड हमने अपना दिया था और आपने इंटरेस्ट दिखाया और मुझे लगा कि मतलब आपसे गुनी और अच्छी लड़की हो नहीं सकती। गलत है, हैंडसम, यंग, स्मार्ट, चार्ज तो बेटा मैं 24/7 रहता हूँ, जब बोलोगी इट्स द टाइम टू डिस्को। आपके हाथ में जो फोन था मैं उसके बारे में, वही मुझे चाहिए। नहीं नहीं बेटा, वो फोन तो दिखावा था, एक्चुअली एड तो मेरा था। ये देखिए, ये आपने गलत थोड़ा सा समझ लिया। देखो बोल देती हूँ, इंटरेस्ट दिखाने के बाद में अब तुम प्रिंसिपल वापस नहीं ले सकती हो। आपने गलत किया। किधर की टिकट बुक कराऊँ, गोवा चलोगी या बैंकॉक? सर क्या बदतमीजी अभी कर रहे हैं आप? यू विल फॉल इन लव विद द सर्कल्स अराउंड एंड अराउंड एंड यू विल बी लाइक यू नो, मैंने लिखा था ब्रांड न्यू प्रोडक्ट के बारे में, अपने बारे में ऐड कौन देता है भाई? मैंने लिखा था स्क्रैच प्रूफ, कहीं कोई स्क्रैच नहीं है बेटा। अरे आपको अगर ऐसा है, शादी की किसी रिलेटिव से बात कर रहा हूं, तो मैसूर गार्डन चलोगी मेरे साथ? आप गुलशन गुलशन फूल खिलेंगे फिलहाल, मेरे मुंह से भी गंदा निकलेगा, आपका एज थोड़ा बना, गाली एकदम मेरे मुंह पे रहता है। आई तो लव वैसी लड़कियां जो थोड़ा गाली गलौज करती है। अभी फिर से आप बदतमीजी कर रहे हैं, देखिए स्विमिंग करने जाएंगे ना, स्विमिंग बेटा तुमको स्विमिंग आती है? बदतमीजी छोड़िए, भगवान का नाम लीजिए, मैं बोलूंगा ओह माय गॉड। देख बुड्ढे, अब मैं तेरे को बोलती हूँ, तेरा एज होगा भगवान के पास जाने का और तू सुहागरात मनाने के सपने देख रहा है, पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी। देखो बेटा सटिया गया तू, दुनिया तुम्हें नफरत की नजरों से देखेगी लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ प्यार और प्यार दूंगा बेटा। देखिए आपको शोभा नहीं देता ऐसे एज पे ये सब बातें बेटा, शोभा तो बहुत पहले ही चली गई, शोभा नहीं देती। तो आपने फंसाया, आपने फंसाया, ठीक है? इंटरेस्ट तो आप ही ने दिखाया था मेरे एड में। देखते मैं बोलूं बहन बोलू, पता नहीं क्या समझ में नहीं आ रहा है, चढ़ेगा तेरे उम्र के ऐसे लक्षण तुम्हारे, हमको सब सही लग रहा है बेटा। साले उम्र नहीं देखी अपनी। हेलो कौन बात कौन कर रहे हैं? हम रेड एफएम से बोल रहे थे, आरजे प्रवीण, और आपका मुर्गा बनाया जा रहा था। प्रवीण यू शुड नॉट डू दिस सीरियसली, आई डोंट नो हाउ टू डील विद माय इमोशन, आई एम गुस्सा भी हो रही हूँ, हंसी भी आ रही है, यू नो गाली दे रही है। हेलो, हमने एड वैड सुना था आपका, देखा भी था कि आप लोग गोरिल्ला ग्लास बिक्री करते हैं। हाँ हाँ बेचते हैं, अभी तो फ्रेश माल आया है। हमें क्या ना दरअसल गोरिल्ला ग्लास की जरूरत थी, तो क्या रेट लगता है आपके उधर में, मतलब कैसे क्या भाव? तो मतलब कौन से डिवाइस के लिए, सेट के लिए? मतलब डिवाइस तो देखिए हमारा अफ्रीका से लेकर के आए हम। अच्छा ठीक है, मिल जाएगा हमारे पास तो, कोई भी आप आ जाओ दुकान पे आ जाओ। 10 फीट हाइट का चाहिए और चौड़ाई में कम से कम 20 फीट का तो होना ही चाहिए मिनिमम, और वो क्या ना चारों तरफ से, मतलब काय के लिए चाहिए आपको? टार्जन ऐसे आता है हवा में ओ ओ करके और उठा करके ले जाता है, तो बहुत दिक्कत हो रही है इसको लेकर के। क्या बोल रहे हैं, समझ नहीं। हमें गोरिल्ला ग्लास चाहिए, आप गोरिल्ला ग्लास बेचते हो ना? अरे गोरिल्ला ग्लास बेचते हैं दुकान पे। हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हो बताना जरा एक बार? अलीपुर जू से बोल रहे हैं, जो गोरिल्ला जिसमें रखते हैं ना वो लोहे वाला खांचा है, वो उसमें जंग वंग लग जा रहा है, पेंट वेंट का खर्चा हो रहा है, तो हम सोचे एक ही बार में गोरिल्ला ग्लास लगवा देंगे। पागल आदमी हो गया यार। अरे नहीं भाई, आप बोल रहे गोरिल्ला ग्लास ऐसा हथौड़ी मारे टूटे नहीं, तो ठीक है उसमें गोरिल्ला रखेंगे हम लोग, है ना? Okay, यार नहीं वो तो हम आपको समझ रहे थे ना, तो बोलो मत, तुम्हारी फाड़ देंगे वहीं आके, जो भी बोल रहे हो ना तुम। अच्छा गोरिल्ला नहीं तो सांप का ग्लास होगा आपके पास में? सांप ना तेरी चढ़ूंगा। बिच्छू है हमारे पास में बहुत तरीके के, वो वैसे बिच्छू का ग्लास चाहिए था। अच्छा क्या होता ना कि के साथ में सांप बिच्छू सब एक ही जगह पे, आईडी थोड़ी ना चल रही क्या है। गोरिल्ला बहुत बेचैन रहता है, देखिए कितनी बेचैन। देखिए पागल हो गया है, उसको गोरिल्ला ग्लास चाहिए। गोरिल्ला देखिए भैया, देखिए पैसों की कमी नहीं है, पैसों की लाइन लगा देंगे हम लोग, पैसों की जरूरत है। देखिए बेचैन हो गया फिर से ऐसा है, देखिए हेलो वो ऐसे फेविक्विक से जोड़ जोड़ करके, ऐसे जोड़ जोड़ करके आप बड़ा बना करके खाचा दे दीजिए। बिजनेस का दिमाग होना चाहिए आपके पास में, ऐसा ऐसा बुद्धि लेके दुकान कैसे चलाएंगे आप? भाई साहब मेरे में दिमाग ही नहीं है, मेरा दिमाग हमको फोन दो, हमको फोन दो, ये हमारा गोरिल्ला बात कर रहा है। अबे ये गोरिल्ला कम खाली ज्यादा लगा। हेलो रेड एफएम से बोल रहे थे, आरजे प्रवीण, और आपका मुर्गा बनाया जा रहा था सुबह सुबह। अरे दादा सर, सर मतलब मैं तो सोचा था आज मैं गोरिल्ला ग्लास लगाऊंगा अपनी दुकान की शक्ल डाल के। मैडम हम सब्जी वाला बोल रहे थे, पैसा वैसा बाकी आप लोग देंगे नहीं क्या? इतना अमीर आदमी अब गरीब का पेट काट के हम लोग यहाँ पर मेहनत करते हैं, शायद आपको पैसा देते नहीं है क्या? हाँ देंगे देंगे कर रहे हैं ऐसा, लेकिन वो आदमी तो मेरे से डेली पैसा लेकर के जाता है। आपका हस्बैंड आपसे पैसा लेकर के जाता है आपको देने के लिए?
मेरा चोर कहीं आदमी आपका हस्बैंड बोलिए भाभी जी। बहुत बहुत बड़ा कहीं डेली में पैसा लेकर जाता है। हमको बोला है कि हम अभी पैसा नहीं दे पाएंगे, मेरी जो सासू माँ है उसका पाँव का ऑपरेशन होना है। झूठा आदमी है ये भाभी, इनका जरूर किसी और के साथ में चक्कर होगा, हम बता रहे हैं आपको। हाँ चोर आदमी है। हाँ भाभी हम बहुत बार देखे हैं, सब्जी मंडी में जाते हैं ना, ऐसे लड़की लोग को देखते हैं अगल बगल से। एक नंबर का भाभी वो चुप। आप रुक काहे गए, क्या बोलना चाह रहे ना, बोलिए बोलिए। मेरा पति को बोलिए पैसा लेके जा रहे सर, कुत्ता कमीना गाएगा, आपको दे नहीं रहा है। भाभी आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत को क्या हुआ? वो बोला आप हो गया है क्या? आप लास्ट स्टेज में मुझे या उसे? अब बोला कि उसके सर के बाल उड़ रहे, टकली हो रही है वो, उसी के बाल नोच करके बताऊंगी। आदमी से आप शादी कर लिए? कसम से बता रहे भाभी, हम कैसे आदमी से शादी कर लिए? सब्जी वाला कुत्ता मुझे कॉल करता है। एक मिनट, सब्जी वाला मैं अब हमको गाय वो गाली दे रही है, पति को गाली दे रही हूँ, साथ साथ में आपके लिए भी गाली निकल जा रही है। हाँ तो मेरे लिए मत निकाले ना भाभी, हम तो साफ सुथरा आदमी है, हम कभी भी आप पे गंदा नजर डाले तो बोले नहीं आपको। अभी क्या बोला आपने? अब की बार नजर डाली है ना तो मारे कल पट्टी का, समझा तुम? आपका पति बोलता आप तो मोटी हो गई है। मोटी हो गई है साले, उसको तो मैं बताऊंगी, रात में बताऊंगी, चढ़ के बताऊंगी कौन मोटा हुआ है कौन पतला हुआ है। आप चढ़ के बताएंगे? हेलो, दूध वाला बोल रहे थे? हमारा दुकान से दूध ले जाते ना भैया? हाँ बोलिए। अरे आपका जो पति है एक नंबर का कहिया कंजूस, क्या बोल रहे हो? 3 महीना से हमारा पैसा नहीं दिया है। पैसा दिया नहीं है तो आप गाली बकेगा? लेमन जूस आदमी आपका हस्बैंड, लेमन जूस संभाल संभाल के मेरे पति को बोला ऐसा, तो लुल आदमी है एकदम। आप लुल आदमी है साले, मेरे पति को ऐसे बोलेगा? तो आप अपने पति को नहीं बोलती है कुछ? मैं बोलू बोलू, आप कौन आगे बोलने वाले? लैंग्वेज दीदी, लैंग्वेज सही नहीं है आपकी। लैंग्वेज सही कीजिए संजय। नहीं दीदी आपकी लैंग्वेज सही नहीं है। मेरे पति को गाली दे रहे हो आप? अपने पति को गाली दे तो कुछ नहीं, हम अगर दो शब्द बोल दे तो आप इतना सीरियस हो जा रही है? कौन? लैंग्वेज मैडम, लैंग्वेज, लैंग्वेज सही नहीं है आपकी। सॉरी मैंने पहचाना। मैं हूँ आरजे प्रवीण, रेड एफएम 93.5 से बोल रहा हूँ, और आपके हस्बैंड के कहने पर ही हमने आपको मुर्गा बनाया, क्योंकि आप अपने हस्बैंड को बहुत गालियाँ देती है। आपके हस्बैंड ने बताया उनको मारती भी है। आज तो आपके हस्बैंड की पीठ से पिटाई होगी। हेलो, गुड मॉर्निंग, मेरा नाम वाजिद है। टेल मी, आई एम कॉलिंग यू फ्रॉम सैफ अली खान की ऑफिस। यू मीन सैफ अली खान? राइट, सैफ अली खान। ओके, मुंबई में बहुत गर्मियां पड़ रही हैं, तो तैमूर एंड एवरीवन इन द फैमिली दे आर कमिंग टू कलकत्ता फॉर वेकेशन। ओह वाओ, तो हम नहीं चाहते कि उसकी जो स्कूल की जो हैबिट है वो छूट जाए, सो वी वांटेड टू एडमिट हिम हियर इन अ प्री स्कूल फॉर 15 डेज। एंड हमने रिसर्च करके पता चला दैट योर्स इज द बेस्ट इन कोलकाता, सो थैंक यू सो मच। राइट, सो द थिंग इज, यस, सो द थिंग इज दैट यू नो आई विल बी ट्रांसफरिंग योर कॉल टू मिस्टर सैफ अली खान राइट नाउ, एंड प्लीज डोंट बी ओवर हाइपर। ओके ओके ओके। Hey, hi, this is Saif Ali Khan. Hello sir, good morning sir. What I wanted to know ki yaar aap log bachcho ko kya kya sikhate hain aapke school mein? Sir, I can't believe it, you. Thank you. I mean, actually we have extracurricular activities bachcho ke liye and some lovely music classes, piano classes. You know what? I only want you guys to play Tararam Pam ke gaane. Okay sir. And you can also play that yes sir. Wo jo jahan pe aap punkti padte hain sir, wo wala sir. Maine dekha hai wo film. Yes, so yaar, I'm really happy that you know about the song. राइट, सो या, हे, थैंक यू यार, थैंक यू। स्कूल में ये जो बच्चे लोग आते हैं, ये पॉटी वॉटी करते यार। वी आर हैविंग ऑल अरेंजमेंट्स, वी आर हैविंग एक्स्ट्रा ड्रेसेस फॉर देम। जी, वो कपड़े कौन से डिटर्जेंट से धोते हो आप? सो वी हैव द बेस्ट ऑफ डिटर्जेंट्स। आई ओनली वांट यू टू यूज फेथ। ओके सर। वो होता नहीं है, लक ट्राई हो जाए। देखो प्री स्कूल यार 2 घंटे का है, सो आई विल गेट बोर्ड दोस 2 आवर्स, सो इफ यू कुड जस्ट अरेंज अ बेड एंड एन एसी रूम फॉर मी। बेड एंड एसी रूम? राइट यार, आई विल स्टे देयर यार, बिकॉज आई डोंट वांट टू लीव माय किड। आई विल अरेंज सर, डेफिनेटली, प्लीज डू दैट। एंड आई मीन यू नो, इफ यू वांट यू कैन आल्सो जॉइन मी फॉर सम टाइम। सो जॉइन यू इन द सेंस सर? यार कितने दिन रिसेप्शनिस्ट की जिंदगी जियोगी? I don't understand what you're saying, sir. जिंदगी की रेस में सबको आगे निकलना चाहते हैं। सब मैं समझ नहीं पा, Listen, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, so I'm blushing. ब्रश करना चाहिए लोगों को, हर दिन ब्रश करना चाहिए। मैं 4 बार करता हूँ। Blushing, sir. Oh, you are blushing. Wow. Hey, can you send me your picture on WhatsApp? I think I would need your number, sir. यार तुम बहुत जल्दी मेरे पीछे नहीं पड़ गई, नंबर भी मांग रही हो। तो पिक्चर कैसे सेंड करूँ सर, आप मांग रहे हैं तो? Yeah, you're very smart, huh? Sir, I can't believe it. This is real Saif Ali Khan. Yeah, this is RJ Praveen. Hello? मैं RJ Praveen बोल रहा था, Red FM से, और आपका
nonsense is this? Nonsense. I just have to call it. Don't call up this number again and just shut up, okay? Hello? Hey, hi, this is Saif Ali Khan, yaar. Praveen, I don't expect this from you. No, yaar, this is the original one. Main aur Praveen ek saath hi the, yaar. We were just fooling around. This is the real one, okay? Are you serious? No, I am not. Stop it. I do this. Morning. हेलो सौरभ बोलिस बोलिए कौन बात कर रहा है तेरी बीवी का नाम रिचा है ना हाँ। तेरे को जो करना है तू करके देख ले मोहब्बत करी है मैंने मोहब्बत आपका नाम क्या बताया आप सबीर रिचा से पूछना जिसकी बाहों में रिचा रहती थी ना थोड़ा तमीज से बात कीजिए ते देख हम क्या करते हैं और चिल्लाइए मत मेरा मोहब्बत हमसे दूर चला गया देखिए हम क्या हम ऐसा हकला आदमी से शादी कर लिया रिचा बोले थे हम उसको रानी बना के रखेंगे पुरानी बात होगी देख अब तेरे को जो करना है तू कर मैंने जो करना था मैंने कर दिया और आगे भी करूंगा तू देख क्या होता आप है थोड़ा तमीज में बात कीजिए हेलो सिक्योरिटी बोल रहे थे सर पार्किंग से हाँ बोलो सर एक आदमी आया था सर गाड़ी पे लिख के गया है सर ऐसे खुरच के शब्बीर लव्स रिचा अब तुम क्या बे रोके क्यों नहीं उसको सर हम तो रोकने गए थे सर हम कोई से कंटा मार दिए को है बे पूरा गाल लेना 2 इंच अंदर घुस गया हाक भी अंदर घुस गया सर बहुत गठीला गाही के सिक्योरिटी गार्ड हो तुम सर रिचा क्या आपकी बीवी का नाम है सर भाभी सर भाभी ना सबीर के साथ में बहुत खुश रहेगी भैया आप जाने दीजिए गजब का बॉडी बनाई सर रॉक का बॉडी है आप उसके सामने एकदम लपू झन्ना लगेंगे सर नीचे आ रहा हूँ मैं रुक कोई फायदा नहीं होगा भैया हम घर चले जा रहे हैं हमको बहुत मारा है गाड़ी पे लिख दिया एकदम नोच के तू फोन रख मैं नीचे आ रहा हूँ तेरे को बताने के लिए रुक हेलो तेरा बाप सबीर बोल रहे बे भाई छोड़िए अरे छोड़ना ना कुछ नहीं है कंटा उंटा निकालो इधर में ऑफिस में जाके ठोक के आएंगे अरे भाई छोड़िए ना भाई काहे छोड़े खुश है वो मेरे साथ वो आपकी पुरानी बात होगी वो अपना दुख तेरे को नहीं बता पा रही है वो जब सबीर के पास में आएगी ना उसका आंख से जो आंसू निकलेगा ना तो सबीर किसी को छोड़ेगा नहीं भाई रोइए मत भाई भाई का आंसू नहीं निकलना चाहिए पहुंचा भाई का अगर आप चाहते हैं तो आप आराम से घर आइए मेरे सामने बात बात कर लीजिए तू नहीं रहेगा तब मैं घर पे आएगा रिचा से मिलने के लिए देखो जो करना तू कर ले शादी हो गई है हमारी हम दोनों अरे वो तो गलती से उसको करना पड़ा मैं जेल के अंदर था ना मर्डर केस में अभी बाहर निकला है अब तो मैं खेल दिखाएगा तेरे को देख सबीर का खेल ऐसा ना करे ऐसा। सुनो हम जेल से परोल लेके तेरा शादी में आए थे 3 बार बिरयानी खाने समझा एक आंख से आंसू नहीं निकाले लेकिन अब बहुत हुआ बोल के लिया था कि भाभी को रानी बना के रखेगा नौकरानी बना के रखा है देख घर का काम करा इस मेरा रानी से हमारे घर के मैटर में फीस ना पड़े हम दोनों खुश है और आप भी अपनी जगह पे खुश रही है ना बहुत खुश है तो अभी खुश है तो आप भी डरिए मत खुश रहिए काहे कि हम आरजे प्रवीण बोल रहे हैं रेड एफएम 93.5 से और आपका मुर्गा बनाया जा रहा है हेलो जी आपका नाम उमेर जी उमेर आपने शेप ऑफ वाटर के लिए एक अपडेट दिया था ना ऑस्कर अवार्ड जीता मूवी ने राइट ऑस्कर जीता है मूवी ने तो हम लोग एक्चुअली या आई विल टेल यू हम लोग उस मूवी के इंडियन प्रोडक्शन हाउस से बोल रहे थे ओके वी वांटेड टू नो फ्रॉम यू कि आपको मूवी में क्या चीज बहुत अच्छी लगी शेप ऑफ वाटर में ओवरऑल मूवी बहुत ज्यादा ही अच्छा है तभी तो फिर ऑस्कर के लिए गई है एंड इट्स वेरी नाइस क्या बताऊं मैं आपको सिनेमेटोग्राफी बहुत ज्यादा अच्छी है पिक्चराइजेशन बहुत अच्छी है शेप ऑफ वाटर देखकर के आपको क्या समझ में आया मतलब क्या लगा बहुत ज्यादा कनेक्टेड था एक्चुअली मेरे को क्या समझ आया देखिए ये मैटर नहीं करता है लोगों को कभी कभी क्या होता है ना कि आपको बहुत ज्यादा हिट कर जाता है बोलिए तो फिर जब मूवी मेरे को हिट की ना तो फिर आई वाज लाइक कि नहीं यार एक्चुअली अब ऑस्कर भी मिले अच्छा बाय द वे सर आपने अपना नाम नहीं बताया घर वापस जाके जब अपने पिताजी का जा रहे होगा ना पूछना इनसे हम कौन है हेलो ये क्या था आप कौन बोल रहे हैं हेलो घर वापस जाके जब अपने पिताजी का जा रहे होगा ना पूछना इनसे हम कौन है क्या कौन बोल रहा है हेलो देखो बेटा ऐसा है कि चाहे जितना बड़ा हो जाए के नीचे ही रहता है कौन है बेटा शेप ऑफ वाटर किसने बनाई है हुज द डायरेक्टर सर डू यू नो दैट ही आल्सो वन द डायरेक्टर देखिए भाई मैं आपको बताऊं कि जो आदमी जो आदमी साली बड़ी सतावेली एक बिहारी 100 पे भारी है बलमा बिहार वाला ऐसी मूवीज देखता है वो अगर शेप ऑफ वाटर को लेकर के अपडेट डाले तो अच्छा नहीं लगता अरे भैया हेलो मैंने शेप ऑफ वाटर देखी है मूवी किस बारे में तुम हो कौन हम तुम क्यों बताएंगे बे घर वापस जाके जब अपने पिताजी का जा रहे होगा ना पूछना इनसे हम कौन है अरे देखी चीज बार बार बोले जा रहे हिम्मत तो नाम बताना
मेरा नाम प्रवीण है और मैं 93.5 रेड एफएम से बोल रहा हूँ और आपका मुर्दा बनाया जा रहा था मेरा प्रवीण भाई, ये नहीं कर रहा था भाई। एक बात बताओ भाई, देखी भी है आपने शेप ऑफ वाटर? मौका मिला था लोगों ने अपना वो, अरे भाई फेंकने का तो लिमिट है फेंकने का भाई। हेलो दादा, आपके घर के बाहर में एक मैदान है। कौन बोल रहे हैं? मैं आपका शुभचिंतक बोल रहा हूँ। दरअसल वो मैदान पे पूजा के टाइम एक झूला लगता है बड़ा सा। अच्छा, हाँ हाँ लगता है। तो वो झूला ना मत लगने दीजिएगा। क्यों? जब वो झूला ऊपर जाता है ना तो आपका घर साफ साफ दिखता है और वहाँ से लोग भाभी जी पर गंदी नजरें डालते हैं। मतलब मेरी बीवी के बारे में बात कर रहे हो तुम? आप ही की बीवी के बारे में बात कर रहे हैं? तुम खुद देखते हो तो मेरी बीवी को, तुम बोल कौन रहे हो? मेरा ग्रुप था लेकिन मेरा ग्रुप वालों से झगड़ा हो गया, इसीलिए ना उनकी भी जिंदगी बर्बाद कर दूँ ताकि उनको भी देखने का मौका ना मिले, समझे आप? मेरी बीवी को ताड़ते हो और अभी हमको फोन करके बोल रहे हो? और तो और, झूले वाले को वो लोग पैसा दे देते हैं कि ऊपर जब जाएगा ना तो झूला थोड़ी ज्यादा देर अटका करके रखना ताकि ऊपर से एकदम क्लियर व्यू उनको मिलता रहे। अपनी को देखा निकल करके। हेलो भैया, वो आपका मैदान के बाहर में झूला लगता है ना? अरे तुम कौन बोल रहे हो? भैया मैं वो झूला का मालिक बोल रहा हूँ, पूरा एसोसिएशन वाला सब साइन कर दिया, खाली आपका साइन करना बाकी है दादा। झूला नहीं लगेगा मेरे घर के साथ। क्यों सर? सारे सब मिली भगत करके का हुआ सर? तुम लोग सब मिल करके मेरी बीवी को क्या बोल रखते हैं हम क्या? झूला बहुत अच्छा चलता है सर, आपके घर के बाहर लगाते हैं ना वैसे। झूला झूला है तुमको? हाँ। इस बार तो झूला लगा लेने दीजिए, पूजा में तो आपकी बीवी है भी नहीं, खाली आपकी काम वाली बाई ही रहेगी। तुमको कैसे पता कि मेरी बीवी नहीं है माइके? अरे सर हम पूरा खोज खबर कर लेते हैं उसके बाद में तो झूला लगाते हैं सर, इट इज कॉल्ड बिजनेस डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। सुनो तुम लोग सबसे घर के सामने झूला। हेलो हेलो दादा, रेड एफएम से आरजे प्रवीण बोल रहा था और हम आपका मुर्गा बना रहे थे। अरे प्रवीण भाई, नहीं आपके घर के बाहर झूला तो लगता है लेकिन इतना भी लंबा नहीं लगता कि आपके घर के अंदर के दर्शन हो पाए, ठीक है? थोड़ा बहुत तो लगी गया डर यार। भाई आज हम बैंड बजाने जा रहे हैं साहिल जी का। 2 BHK रेंट पे लेके रह रहे हैं, अकेले बंदे हैं लेकिन 2 BHK, समझ रहे हो? एक कमरे पे करते हैं जिनके कब्जा। बजाओ बैंड। हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ यार ये साहिल बोल रहे हैं क्या? हाँ जी साहिल भाई, मोंटी बोल रहे हो, क्या हाल है? मोंटी चल नहीं मैंने आपको जी। भाई यार तुम्हारा दोस्त है ना विशाल? विशाल हाँ हाँ हाँ, हाँ विशाल का ही दोस्त बोल रहे हैं, कभी उसने बताया होगा मोंटी? हाँ हिसार से हो? हाँ हाँ जी बताओ। हाँ बस ये कुछ नहीं बता रहा था, विशाल बता रहा था कि मतलब साहिल दिल्ली में ही है भाई, उसने अपना घर वर बना लिया यार। बहुत बहुत मुबारक हो यार, घर बना लिया तुमने यार। बताओ काम? बताओ काम तो कुछ नहीं यार, ऐसी में दिल्ली में आया हुआ था तो विशाल कह रहा था यार जब भी दिल्ली जाए तो कोई बात नहीं साहिल से बात कर लियो। मैं ठीक है यार, मैं साहिल से बात कर लूंगा यार। मैं यही पूछ रहा था रहने का कुछ हो सकेगा मतलब तेरे घर पे? कितने दिन हो गए? 1-1.5 दिन रहेगा यार। ठीक है, मैं तेरे से नहीं गई थी, मैं देखिए दिलदार दोस्त है हमारे। हेलो सही गई थी? हाँ जी चल ठीक है भाई, मैं आ जाऊंगा साथ में अपनी गर्लफ्रेंड को भी लेकर आ रहा हूँ, हम दरअसल वहीं से भाग गए थे। मैं नहीं, नहीं यार वो तो देखो थोड़ी सी मतलब दिक्कत ही हो जाएगी। किस बात में? मैं ऑफिस चला जाता हूँ तो पीछे से थोड़ा दिक्कत होती है। अरे ऐसे कैसे नहीं है, रो मत यार, कोई नहीं वाला, मैं इसे खून के आंसू रुलवा दूंगा, तू मत रो। हेलो हाँ हाँ भाई, ना भैया जो 2 किलो आम ले आऊंगा तेरे घर पे, और क्या चाहिए बता? ना भैया ना तू देख लो यार। सुन एक बार अपनी भाभी से बात कर। हाँ जी, ये क्या आपको भगा के लाया करोगे? असल में ये ना भगा के लाया, मैं खुद ही भाग गई हूँ। आप देखो वापस चले जाओ, ये मुझे सही आदमी नहीं लग रहा। पहले बात सुन लो, मैं जिसके साथ भाग गई थी ना वो तो रोहतास था, तो ना गाड़ी में हम लोग जा रहे थे, मैंने रोहतास से कही रोहतास गाड़ी रोक ले, ढाबे में भूख लगी खाना खावेंगे। रोहतास ने रोकी नहीं, मैंने कहा रोहतास तू जा, मैंने तेरे साथ जाना ही नहीं। तो वही ढाबे पे ये भाई साहब मिल गए मोंटी, तो मैंने एकदम हाँ कर दी, मेरी इनके साथ ट्यूनिंग बन गई। आप ना मत करिए, ताजा ताजा प्यार है ढाबे पे होया हुआ, मेरा दिल टूट जाएगा, मेरा नाम सुमन है। अरे मैडम अभी तो छोड़ो ये गलत आदमी, आप जाओ अपना घर। ये तो सुन लो, मैंने सोची कि घर से तो भागी गई और रोहतास तो नहीं लेके गया भगा के, कम से कम मोंटी मुझे अपने साथ रख तो लेगा। मैं रखूंगा क्यों नहीं रखूंगा यार, आई लव यू मोंटी, आई लव यू टू। नाम क्या है तेरा? मैं फिर भूल गया, सुमन। अरे तुम लोगों को एक दूसरे का नाम ही नहीं पता, तुम दोनों एक दूसरे घर से भागे हो यार, यही तो प्यार होता है, प्यार में नाम का क्या करना। देख ऐसा है भाई, अब ना बहुत हो गया मजाक, ठीक है? पुलिस वाले ना यहाँ पे दिल्ली में इतने डंडे मार देते हैं ना कि साले लाल हो जाती है पूरी की पूरी। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम से दिल्ली का कड़क लौंडा आशीष आपका बैंड हो जाता है कुछ भी यार। भाई आजकल के टाइम में अगर भाऊजी कोई चीज फ्री है ना
फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट वो है नवीन सहगल साहब। और नवीन सहगल जी की जवान से निकले हुए शब्द कहते हैं जवान है ऐसी वेस्ट हो जानी ऊपर वाले के पास चली जानी है कुछ बोल के निकल जाओ। बाद में किसने बोलने किसने सुनना है। तो चलो जवान जवान खेलते हैं बैंड बजाते हैं। हेलो नेताजी वोट डाले अपने नेताजी को जिताए। बोलो भाई कहाँ से बोल रहे हो। नमस्कार मैं आप ही की आवाज बात कर रहा हूँ। आज आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। दिल्ली की तरक्की के लिए आपका बहुमूल्य वोट बहुत ही जरूरी है। इसीलिए कॉल करते रहते हैं साथ आपका वोट बहुत ही जरूरी है। तू लाला वोट कंप्यूटर नेताजी नेता बोल लेना भी। हेलो नेताजी को वोट डाले वोट डाले वोट डाले। हेलो याद रखें। हेलो भागती दौड़ती दिल्ली कौन है साले तू कंप्यूटर वाले। हेलो आजा बाहर आजा तेरे को देता हूँ वोट। हेलो अरे हेलो गाली दे रहे हो यार। कौन बोले जी। हेलो गाली कैसे दे रहे हो। टिक 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 अपनी दिल्ली को लेके जाएं आगे। नेताजी आप गुस्सा मत करिए। नेताजी आप गुस्सा मत करिए प्लीज, प्लीज। अरे ये गाली कैसे दे रहा है यार। सर गाली तिक 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 को भी दिए मैं कर रहा था ना। नहीं लेकिन मेरे को कैसे दे दी से। हेलो हेलो कौन बोल रहा है। कहाँ तू कौन बोल रहा है। मैं आप कौन बोल रहे हो जी। मैं अभी वही बोल रहा हूँ जो तुमको बता रहा था दिल्ली को आगे लेके चलना है यार वोट वोट डालो। तुम गाली दे रहे हो यार। भाई साहब वो मुझे तो सर गाड़ी में सारे गाली वाली नहीं दे रहा था यार भाई साहब। तो ऐसी मजाक कर रहा था कोई थोड़ा हल्का उल्का ऐसे गाली देते हैं। आपने ये मेरे इसको क्या कहा टिकी 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 को। वो तो मैं कह रहा था जी वो लड़का म्यूजिक अच्छा दे रहा है पीछे इसे और वोटें आएंगी। लड़का कोई नहीं है हम दोनों खुद ही कर रहे हैं। मैं इनका अनुज भराता हूँ अगले साल मैं खड़ा होऊंगा। आप जरा ये टिकी टिकी निकालो। अपनी टिकी टिकी को क्या कहा मैंने सुना जरा निकालना जरा। तेरे को तेरे घर से बाहर खींच के ले आएंगे हम क्या बता रहे हैं तेरे को। अरे भाई साहब यार गलती होगी यार बोल की आप ही का समर्थक हूँ। वो तो मुझे लगा कोई यार दोस्त मजाक कर रहा है। भाई साहब मैं वैसे ही डाल दूंगा यार मैं तो आप ही का पार्टी का हूँ। नेताजी को वोट डाले अपनी दिल्ली को आगे लेके चले। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर। हेलो दिल्ली के हेलो दो कड़क लौंडे आपका बैंड बजा रहे थे सर। यार कैसा यार बॉस। हेलो दीपिका। हाय दीपिका प्रवीण फ्रॉम रेड एफएम कैसी हैं आप। बहुत बढ़िया आप बताइए। बिल्कुल मजे में। अच्छा दीपिका आप अपने बॉयफ्रेंड का मुर्गा बनवाना चाहती हैं राइट। यस यस। हाँ जी सो मैं अभी आपके बॉयफ्रेंड को कॉल करूंगा आप लाइन पे रहिएगा और चुपचाप रहिएगा क्योंकि हम उनकी किसी से बात करवाएंगे ठीक है। डन डन। तो आप रिएक्ट मत कीजिएगा। डन डन। ओके जस्ट बी ऑन होल्ड। हेलो हेलो इज दिस रंजीत। हाय रंजीत। हाय आपको शायद थोड़ा ऑड लगेगा बट मैं एक्चुअली आपके ऑफिस के नीचे जो बैंक है ना वहाँ पे आई वर्क। आपका नंबर आई मैनेज टू गेट इट। सॉरी नाम नहीं बताया मैंने आपको अपना। माय नेम इज साक्षी। रंजीत काफी महीनों से आई बीन काइंड ऑफ वॉचिंग यू मतलब आते जाते देखा है आपको तो मुझे लगा कि इनिशिएट करना चाहिए आपसे बात करना। तो लिटरली ब्लश कर रहा हूँ यहाँ पे मैं भी। तो मैंने आपका नंबर पता करवाया बिल्डिंग स्टाफ से ही एक्चुअली। तो आई वाज जस्ट वंडरिंग कि अगर वीकेंड पे आप फ्री हैं तो अगर हम लोग मिल सकते थोड़ी देर के लिए। मैं तो फ्री हूँ वीकेंड में तो मैं जाता भी नहीं। ओके तो उससे पहले भी कुछ हो सके था। तो मेरा घर पास ही है ऑफिस से। घर पे कोई होगा नहीं तो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि अगर हम लोग मूवी देख सके साथ में एंड लंच कर सके तो परफेक्ट है। यू नो ऑफिस के आसपास तो हमेशा ऑफिस वाले मिल ही जाते हैं तो मैं नहीं चाहती आप ऑकवर्ड हों बिल्कुल भी इसीलिए आई सजेस्टेड कि घर पे। मैं तो बल्कि खुश हो रहा हूँ। ओके मतलब रंजीत। हेलो रंजीत दीपिका बोल रही हूँ। अब तुम ऑकवर्ड मेरा नाम सुन के हो रही हो क्या। तुम्हें बहुत खुशी हो रही है इसके साथ जाते हुए रंजीत। हेलो रंजीत मतलब तुम उसके साथ जाने के लिए रेडी हो। तुम वीकेंड पे फ्री हो मेरे लिए। तुम वीकेंड पे फैमिली को टाइम दे रहे हो इसके साथ जाने के लिए। तुम वीकेंड पे फ्री हो यू
खाना बना के मैं लेकर आऊँ और उसके साथ तुम्हें वीकेंड मनाना है। कोई जवाब है रंजीत? रंजीत कोई आंसर है आपके पास? मुझे डबल क्रॉस कर रहा है रंजीत। जवाब दो यार दीपिका का। अब उसके पास कोई जवाब नहीं होगा, उसकी खुशियां सब उड़ गई एकदम से मेरी आवाज सुन के। वीकेंड मन रहा था ना रंजीत। हेलो। हाँ। अबे रंजीत अब तो कैरेक्टर से बाहर आ जा भाई। दीपिका आप अपने बॉयफ्रेंड का मुर्गा बनाना चाह रही थी? बट ही इज़ सो हैप्पी यार, दिस इज़ नॉट द वे। साक्षी हमारे ऑफिस में ही काम करती है, वो रंजीत को जानती भी नहीं है। हमने सेट किया था दोनों का। आपने गालियां दे दी, मतलब माँ बहन की गाली दे दी। सही है, कभी कभार होता है ऐसे। दीपिका एक बात बताएंगे आप? कल शाम को आप क्या कर रही थी? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं कर रही थी। कल शाम को आप क्या कर रही थी दीपिका, सच सच बता दो यार। आप तो मेरे साथ खेल रहे हो, मैं कुछ नहीं कर रही थी, क्या करूंगी मैं। मूवी हॉल की फुटेज है, आप किसी लड़के के साथ में मूवी देखने गई थी और आप कह रही हैं कि आप घर पर। हाउ कैन यू से दिस कि मैं कहीं मूवी देखने गई थी? मतलब अब तुम मुझे उल्टा मुझे बोल रहे हो कि मैं कहीं गई थी। हाउ कम यू नो कि मैं गई? दीपिका हमारे पास फुटेज है, हमारे पास में दीपिका, हमारे पास में फुटेज के साथ गई थी। दैट्स ओके यार, हु द आप फ्रेंड्स के साथ में नहीं गई थी, आप सिर्फ एक लड़के के साथ में गई थी। व्हाट इज दिस, तुम उल्टा मेरे को ले रहे हो उसमें। मैम आप दीपिका यार चिल ना, दीपिका दिस क्वेश्चन विद मी नो। दीपिका आप गई थी ना कल मूवी, लेकिन आपने अपने बॉयफ्रेंड को बोला। हां मैं गई थी मूवी, देन व्हाट, देन व्हाट, मैं गई थी मूवी, फिर क्या हो गया? दिस इज बुलशिट, यू आर नोबडी टू आस्क मी दिस क्वेश्चन। तो आप गुस्सा रंजीत। हाँ सर। क्या लग रहा है तुमको, जो तुमने बताया सच्ची है? पक्का ही हो गया। पक्का हो गया भाई, भड़क गई। हेलो प्रीतम जी, कौन बोल रहा है? आपका शुभचिंतक बोल रहे थे। शुभचिंतक? अरे कौन बोल रहा है, नाम आम आया कोई कि नहीं? जरा संभल के रहा कीजिए आप, ठीक है? आप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। बोल कौन रहा है? जो आप कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, हम बता रहे हैं आपको, जो कर रहे हैं आप ठीक नहीं है, सब गलत हो रहा है, ठीक है? और अगर हमारा मुंह खुल गया। अरे बोल कौन रहा, बताओगे जरा? सुनिए हम सब देखे, हम भाभी को बता देंगे। कौन हो तुम, कौन एक बात कर रहा है? हम जो भी बात कर रहे हैं, हम पहले बोले आपका शुभचिंतक है, लेकिन आप जो कर रहे हैं गलत है, हम सब देखे, हम भाभी को बता देंगे और हम बता माइक काट देंगे। तुम यहाँ कहेंगे तो बताओ यार, आप जो कर रहे हो सब ठीक नहीं। हम तुम जा रहे हो यहाँ पे बता रहे हो, क्या बता दोगे वहाँ पे? हम भाभी को बता देंगे, बोल दिया। आप इतनी देर से गाली दे रहे, चुपचाप बैठे सुन रहे? सुनिए आप एक मिनट, बता दोगे लगे हुए यहाँ पे? भाभी का नाम, भाभी का नाम मीनाक्षी, नंबर 832 98। कहाँ से मिल गया तुमको नंबर? हैं? बताएं क्या, हम भाभी को बताएं अभी? बोले भाभी को। अबे पागल हो क्या यार? एक मिनट रुकिए, तो हम अभी फोन लगाते हैं भाभी को, एक मिनट रुकिए, अभी फोन लगाते हैं। अबे रुको, अरे अबे हेलो हेलो हेलो, अबे कहाँ घुस गए? हेलो हेलो हेलो, नमस्कार सर, प्रीतम जी बोल रहे हैं। आप कौन बोल रहे हैं? जी मैं की तरफ से बोल रहा हूँ, एक छोटा सा सर्वे कर रहे थे। जी बताइए। ये तीन आवाजें मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, आपको बस बताना है क्या ये आवाजें फोन पर सुन के किसी को डर लग सकता है। पहला क्या? अरे इससे कौन डरेगा, जी इनकी आवाज से कौन। थैंक यू सो मच फॉर योर इनपुट सर। ये दूसरी आवाज, तबड़ीबाजी कर रहे हो, इससे कौन डरता है यार? ये सब कैसी बात है, वो तो गाना गा रही हो तुम, कह रहे हो। धन्यवाद सर आपका समय के लिए। ये तीसरी आवाज, फाइनल आवाज आपको सुन के बताना है। जी भैया, हम कह रहे थे ना पहले कि हम भाभी को बता देंगे। तुम कहाँ से वहाँ पहुँच गए? हम दोनों साथ में हैं, भाभी को बता देंगे। अरे बहुत बड़े बहुत बड़े। प्रीतम भाई, प्रीतम भाई नमस्कार। हाँ नमस्कार, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से मुर्गा बना रहे थे। अरे भैया यार तुम लोग क्या। हेलो जी, अविनाश गोयल जी से बात हो रही है? हम केम बोल रहे थे और आपका एक 7,500 रुपए का बिल पेंडिंग है। कौन सा बिल भैया? आपके घर के सामने वो पेड़ है ना एक, तो बड़ा सा सामने पेड़, वो तो उखड़ गया अभी, तो उसी के लिए बिल है 7,500 रुपए का। वो हमारा पेड़ थोड़ी ना भाई, आपके हरकतों के कारण पेड़ गिरा है। ये नेचुरल कैलामिटी प्रॉब्लम आपकी है, आप अपने कुत्ते को हर दिन घुमाने के लिए निकालते हैं ना सुबह सुबह।
कुत्ते को सुसु कहाँ कराते हैं? पेड़ के सामने में कराते हैं। उससे पेड़ का कुत्ते के पेशाब में पौष्टिक आहार होते हैं जिसके कारण पेड़ की जो नब्ज है वो गीली हो गई और ढीली हो गई है। और दूसरा आप वो पुड़िया खा खा करके जो पेड़ के वहाँ पर थूकते हैं उससे जमीन गीली हो गई है और आंधी तूफान में पेड़ गिर गया है, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? हम अभी ऑफिस में धंधे का टाइम, हमें आपके चलते हमारा धंधा खराब हुआ है। वहाँ पर आदमी लगवाए, हम मशीन लगवा करके 7,500 रुपए खर्चा लगा है। सीएससी वाले ऊपर से खड़े हमारे ऊपर में क्योंकि उनकी तार से हुकिंग करके हमने वो मशीन चलाई थी। कोई पैसा नहीं देंगे हमको। तो जो आदमी ने ना कटिंग करा ना पेड़, हम उन्हीं से आपकी बात कराएंगे, उनको नंबर देंगे, बोलेंगे भैया पैसा इन्हीं से कलेक्ट कर लो। देखते कौन हमसे पैसा लेके जाता है। देखिए ना, अब आप देखिए क्या होता है। हेलो, 7,500 रुपया हुआ है आपका। बोल कहाँ से रहे हो? हमको कॉल आया था, आपका नंबर मिला, हमको बोल रहे हैं कि आपसे पैसा लेना है, आप तो पैसा दे नहीं रहे उनको, तो हमारा गरीब का पैसा जो है वो दे दीजिए हमको। यहाँ से कॉल है उनको, तुम फोन करे वापस, तुम पैसा तो हम। सुनिए भैया, गरीब आदमी, हम लोग का 4 आदमी घर में बैठ के खाता है, दिन भर काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग को पैसा नहीं दीजिएगा? सबका ठेका, तो आप तो कुत्ता जाता है वहाँ पर, आप पान का पुड़िया थूकते हैं वहाँ पर, तो गलती तो आपकी है ना। पान का पुड़िया सब थूकता। अरे मालिक छोड़िए ना, इसका घर के बाहर में तो हम लोग खड़े हैं, अभी चलिए ना घर का, घंटी बजाइए ना इसका। 100 मशीन का 100 मशीन है, लीजिए ना, स्टार्ट करते हैं अभी। भाभी तो होगी ना। अरे भाभी जी दरवाजा खोलिए, हमारे घर का तो लग रहा है भाभी जी नहा रही है। चेन सो स्टार्ट करो, गेट ठीक है, काट रहे हैं भैया, काट रहे भैया, गेट काट रहे भैया, गेट काट रहे भैया। एक मिनट, गाली दे रहा है, ढील देंगे तुम्हारी बुरी। मजाक पाली है, 7,500 रुपया लेकर के उसूलेंगे हम, समझे? मेरे घर में हल्का सा भैया एमसी पहुंचने वाला, उठा चलो। अभिनसवा तुम्हारा डोरबेल का स्विच खोल लिया है, रात को आओगे ना तो गलती से उसमें उंगली घुसा के दबाव मत देना, करंट लगेगा झटका, सीधा मर जाओगे। हम तुम्हारे तार लगा के तुम्हारे करंट उतारेंगे। बहुत गंदे शौक रखते हैं आप। अविनाश जी, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से, और आपका मुर्गा बनाया जा रहा था। अरे कर दिए यार तुम भी। एक बात बताइए, भाभी जी दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? अब उनका नहाने का टाइम है क्या अभी? भैया एक्चुअली घर में भाई कोई नहीं, हम बोल कर रहे थे कोई घर पे नहीं, तुम काहे परेशान कर रहे थे यार? हम लोग तो अपना एक्साइटमेंट में सुने ही नहीं आपका बात। हेलो, निधि जी से बात हो रही है? हाँ जी। निधि जी, आपने .com से थोड़े दिन पहले एक ट्रिप बुक करी थी बैंकॉक के लिए, राइट? सो मैम, आई एम कॉलिंग यू फ्रॉम .com. Okay, hi. There is something wrong. Ma'am, are you sitting in front of a desktop? Desktop. एक second. हाँ बोलिए जी, आप क्या लॉग इन कर सकती हैं एक बार हमारी वेबसाइट पर? क्यों, कुछ दिक्कत है क्या? जी मैम, एक दिक्कत है, इसीलिए आपको कॉल किया है। We'll solve this problem, not to worry. Okay. एक second. हाँ जी. हाँ जी बोलिए। आप गई .com में? हाँ जी बोलिए। ट्रैवल में गई? हाँ हाँ जी। राइट, फ्लाइट सेक्शन में लिखिए आप कोलकाता। ओके एक सेकेंड, कोलकाता। हाँ, टू बैंकॉक। हाँ, स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट। राउंड ट्रिप पे क्लिक कीजिएगा। राउंड ट्रिप पे जी। एंड तो मैंने पहले ऑलरेडी फिल किया था, पता नहीं आप लोग क्यों करवा रहे हैं। मैम नॉट टू वरी, वी आर जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू आउट। आप 2 तारीख पे क्लिक कीजिए, आपकी ट्रिप स्टार्ट होगी, और 5 तारीख को आपकी ट्रिप खत्म हो रही है। एक सेकेंड, हाँ कर दिया। देखिए आपका नाम, मतलब आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम मांग रहे होंगे। हाँ मांग रहे हैं। क्लिक किया, नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए मैम। जी कर दिया। नेक्स्ट पेज खुला। एक सेकेंड, अभी थोड़ा नेट स्लो है यहाँ का। एक सेकेंड, हाँ, जी खुल गया ना। हाँ देखिए, फेयर कितना दिखा रहा है? अच्छा यहाँ पे कुछ डिस्काउंट कूपन दिखा रहा है, मेरे पिछले मैंने जो ये किया था ट्रिप के बिहाफ पे 25% डिस्काउंट दिखा रहा है। कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द डिस्काउंट कोड? ओके एक सेकेंड, वो है आपका जी 76। हाँ जी ठीक है मैम, थैंक यू। हैव अ नाइस डे मैम। मतलब हैव अ नाइस डे, मतलब हैव अ नाइस डे। हाँ पर आप तो बोले थे कि कुछ गड़बड़ नहीं, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली क्या, मुझे वो कोड चाहिए था ताकि 25% डिस्काउंट मिल जाए मैम। कौन है वे साला? नहीं एक्चुअली हमें सिर्फ डिस्काउंट कोड चाहिए था, वो मिल गया। हेलो नहीं, थोड़ा नहीं, मैं पूरा बदमाश हूँ। मैं पूछ रहा था मैम, लास्ट में क्या था? 7986 साला मोड तू इतनी मोड भी साला तो खेल रहा है कुनो काल दे डिस्टर्ब कर तू मोड इससे दोबारा कर दिया भाई, इसको कॉल करेंगे नहीं करेंगे, इनको बताएंगे भी नहीं कॉल। हेलो सर, आपने
कॉम पे अपनी प्रोफाइल रजिस्टर करवा के रखी है। राइट हाँ जी सर, एक प्रोफाइल आया है, लड़की इस वक्त पढ़ाई कर रही है और शादी के बाद भी वो आगे पढ़ना चाहती है। सर अगर हिंदी में बोले तो सुविधा होगी सर। अच्छा क्या पढ़ रही है वो अभी? जी लड़की सर अभी तंत्र विद्या की पढ़ाई कर रही है। तंत्र विद्या ये क्या होता है सर? वो तांत्रिक बनना चाहती है, जैसे भूत पिशाच ये तो होते हैं, इनको अपने वश में करना। नहीं नहीं ऐसा कोई प्रोफाइल नहीं चाहिए। देखिए आप ना तो कह नहीं सकते क्योंकि लड़की को आप पसंद आ गए। मुझे नहीं चाहिए। आपके पहले भी 9 लड़कों ने रिजेक्ट किया था इनको। वो तो करेगा ही ना, ऐसा कोई थोड़ी हो सकता है कोई। वो 9 लड़कों का कोई नामो निशान नहीं है, वो गायब हो चुके हैं। मतलब मैंने कहाँ गए वो लोग? किसी को पता नहीं चल पाया सर, पुलिस भी आज तक खोज करके नहीं निकाल पाई है। सहूलियत के लिए नहीं, मैं आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ सर, आप लड़की को हाँ कह दीजिए। रोहन बोल रहे? रोहन हाय, आई जस्ट गॉट योर प्रोफाइल फ्रॉम दिस, आपका नंबर मैं उन्हीं से लेके आई हूँ। हाँ बोलिए। एक्चुअली ना आई एम रियली एक्साइटेड, अभी से मैंने सपने देखना शुरू कर दिया है। व्हेन आई मैरी यू नो, व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज शालिनी। क्या कर रही हो अभी? हाँ? मैं भी पढ़ाई कर रही हूँ एंड आपको मालूम है हम लोग हमारे हनीमून पे कहाँ जा रहे हैं। वेट वेट वेट, हनीमून पे कहाँ पहुँच गए? मैं पूछ रहा हूँ आप क्या पढ़ रही हो? हनीमून पे हम पहुँचेंगे भानगढ़, यू नो द हॉन्टेड, द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस। हेलो शालिनी, लिसन टू मी, वी विल बी डूइंग सम प्लॉशे एट नाइट, हमारी शादी की जो पहली रात होगी। क्या करेंगे? वैसे आपको समझ भी नहीं आएगा, इट्स आई मीन इट्स प्लांचेट। अपने ना छेड़े देर, आप छोड़ दीजिए इसको। आई एम नॉट रेडी फॉर मैरिज राइट नाउ, गोइंग टू विदड्रॉ द प्रोफाइल ऑफ माइन। तुम अगर मुझे विदड्रॉ करोगे, नॉट गोइंग टू मैरी एनीवन, प्लीज जस्ट इमेजिन, प्लीज फॉरगिव मी एंड फॉरगेट दैट यू हैव अंधेरी हवेली। शालिनी छोड़ दो, थैंक यू, बाय बाय। लिसन, हेलो किरे, কত বড় পোলা হয়ে গেছিস তুই, আমারে রিজেক্ট করবি? আমি শালিনী বলছি। শালিনী? আবার কোন শালিনী? কি ভাবছিলি আমারে সাইরা দিয়া তুই বাইসে যাবি? मैं आपको बता रहा था ना सर, इसके अलग अलग रूप है सर, आप हाँ बोल दीजिए सर। कहाँ से प्रोफाइल लेके आते हो ये सर? कहाँ से नहीं सर, ये एक ही प्रोफाइल है सर, आप इनको, आपकी जान को खतरा है सर, मैं बता रहा हूँ सर। पहले मेरी बात सुनो, हमारे कैसे आए नाले सिपाही खामू तो घर मोटका है खामू। अरे आप कैसे काम करते हो, ये लड़की को सामने फोन पे लेके बात कर रहे हो आप? क्या मतलब डर नहीं लगता आप लोगों को, ये तांत्रिक बनती भूत भूत कैसे? नहीं 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 सर, हमें डर नहीं लगता सर, मैं तो 10 साल पहले ही मर चुका हूँ। हेलो नमस्कार सर, हम आपके बैंक से बात कर रहे थे। हाँ जी बोलिए सर। इस महीने की आपकी जो सैलरी है सर, वो 10 तारीख को क्रेडिट होगी, क्योंकि बैंक के कुछ स्टाफ है जिनकी सैलरी अभी तक क्रेडिट नहीं हो पाई, तो हमारे जो ग्रेड डी के स्टाफ हैं विप्लव दा, आपकी 27,000 की सैलरी हमने उनको क्रेडिट कर दी है सर, इसलिए आपकी सैलरी में थोड़ी सी दुविधा होगी, वो 10 तारीख तक आपको क्रेडिट होगी सर। नहीं नहीं नहीं, आपने मेरी पे उसके हमारे बैंक के पास में थोड़े पैसों की कमी थी, तो जब पैसे हमने देखे आपके अकाउंट में आ रहे थे तो उसको बीच में रोक करके हमने विप्लव का पेमेंट करवा दिया सर। विदाउट कस्टमर्स कंसेंट आप ऐसे कैसे कर सकते हैं आप लोग चीजें? सर वो हमें करना पड़ा सर, क्योंकि मजबूरी सर, वो ग्रेड डी का स्टाफ है सर, वो हमारे 38,000 रुपए सैलरी है सर। जस्ट लेट मी टॉक योर हेड प्लीज। सर पैसे तो आपके 10 तारीख को ही क्रेडिट होंगे सर। आई वांट माय मनी बैक, ऐसा नहीं सर। आप बैंक वालों से बात कर रहे हो ना, से नहीं बात कर रहे हो कि मनी बैक आपको चाहिए, ठीक है सर? अरे आप कैसे मतलब बात सलीके से बात कीजिए। आई एम ट्रांसफरिंग द कॉल टू द सीनियर सर, प्लीज हैव अ वर्ड विद आवर सीनियर। ओके सर, डू इट राइट नाउ। हेलो, आप मुझे एक बात बताए, आपका सिस्टम वहाँ पे जो भी कोई था वहाँ पे, उसने मेरे अकाउंट से पैसे ट्रांसफर कर दिए कंपनी अकाउंट, हाउ इज इट पॉसिबल? हाँ बेबी, हाँ या बेबी, हेलो, हाँ बेबी, हेलो, अरे नहीं बेबी सर, एक मिनट रुकिएगा सर, मेरी वाइफ का फोन है। हाँ बेबी, हाँ वो मैंने ऑर्डर करवा दिया था ना बेबी, हाँ हेलो, वो सोने का हार जो तुमने देखा था बेबी, आई विल गेट दैट। बेबी एक मिनट रुकना, बेबी एक मिनट रुकना, चिल्ला रहा है कोई, कहाँ पर है तू? हेलो सर, तमीज से बात कीजिए, तमीज से आप बात करो। मेरे वहाँ पे तुमने मेरे अकाउंट से, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ हाँ वो कुरियर, वो एक मिनट सर, कुरियर वाला, हेलो कुरियर वाला आया सर, एक मिनट रुकिएगा, बंद मिलेगा वो, डिलीवरी ले लेना, ठीक है, कैश ऑन डिलीवरी है, कैश ऑन डिलीवरी, आप दे दो थोड़ा सा पैसा। हेलो सर, आपके पास में कुछ पैसे हैं क्या सर? हेलो हेलो, कुछ खुले पैसे हैं क्या सर आपके पास में? एक यहाँ पे कस्टमर फोन रखा हुआ है, एक हेलो किसी ने मेरे अकाउंट से, सर एक मिनट सर, खाना है सर, मेरा लेकर के आया मैं। हाँ मेरी बात सुनो तुम लोग, तुम्हारी, तुमने मेरे अकाउंट से पैसा निकाल कैसे लिया साले बैंक? एक एक एम्प्लॉय को मैं बैंक की माँ बहने कर दूंगा साले मेरे अकाउंट से। हाँ वो ब्लाउज भाभी जी का अच्छे से सिलना, ठीक है। हाँ हेलो जी बोलिए सर, सर हाँ बताइए। आई लॉन्च अ कंप्लेंट अगेंस्ट योर बैंक सर, ये लेके 8वीं बार आप कर चुके कंप्लेंट, मतलब
दादा मैं प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से मुर्गा बना रहे थे। ये सी दिस इज नॉट द वे यू नो आप डू इट। हेलो, अरे ज्योतिर्मय से बात हो रहा है। आप कौन बोल रहे हो? पद्मावत देखने जा रहा है तुम? बाड़ी देखे बेरोबी ना, बेरोले खूब कैलान खावी, ठीक है? मजा की हो सकाल वाला सिनेमा देखते बेरोले ठैंग खड़ा करे मारबो ना। सुन 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 सुन, गंगार पार देखे? चुप कर, अबे बहुत साड़े को देखा है। चल चल फोन फोन रख भाई। पोलुमी संगे जाचिस तो? पोलुमी बोनिक, तू आमार गर्लफ्रेंड के चिंस नी करे। आमार संगे आमार बंधु आछे जे तोके मारबे। बंधु संगे कथा बोल। पैसा पैसा नियेछे तोके मारार जन्य। ज्योतिर्मय गर्लफ्रेंड के साथ में पद्मावत देखने वो जाएगा, समझा? अंग से अंग लगाना सजन, तुम ऐसे रंग लगा तुम्हारे गर्लफ्रेंड के नहीं हो जाबे हमारे बंधु। तेरे गर्लफ्रेंड लोग घूम दे घूम दे আমাদের সঙ্গে কথা বলবি? এই কথা বল পুলিশের সঙ্গে। হ্যালো, আমি পুলিশ আছি, তুমি কেমন আছো? তোর বন্ধু কি টেবিলের তলায় ঢুকে কথা বলছে নাকি? এরকম সরু গলা হয়ে গেছে। পৌলমি বণিকের বাবা উনি থাকেন কালীঘাট। তখন ধরে ওনাকে বলতে হবে যে পৌলমীর জ্যোতির্ময়ের সঙ্গে কিছু একটা চলছে। জ্যোতির্ময় রেড এফএম সে বল রহে থে, আপকা মুর্গা বানায়া জা রহা থা, মে আরজে প্রবীণ। প্রবীণ কমন ইয়ার। देखो जी, आज हम जिनका बैंड बजाने जा रहे हैं उनका नाम होता है प्रियांश, और इनको ना मांगने की बड़ी आदत है। जिसको देखते हैं उसी का नंबर मांगते हैं। यार इसका नंबर करवा दे, यार यार इसका नंबर ला देगा, आज इनको नंबर ही देते हैं। बजाओ इनका बैंड। हेलो हेलो, प्रियांश भाई बोल रहे हैं क्या? हाँ भाई, मैं सोनू बोल रहा हूँ यार। कौन सोनू भाई? उस दिन वहाँ पे क्रिकेट खेल रहे थे ना डीडीए के पार्क में, तब आया था मैं टीटू के साथ। हाँ तो भैया उस दिन वो नहीं लड़की देखी थी आपने, वो उसका वो मदर डेयरी के पास जो देखी थी, आपने बोला था इसका नंबर ला के दे दे यार, तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। हाँ तो भैया वो नंबर तो नहीं है, वो प्रियंका है उनका नाम, और सामने खड़ी है। लो बात कर लो, एक काम करो आप। अरे मैं पागल है। हेलो, बात थोड़ी कर सकता हूँ? सुनो तो बात करनी है, सुनो बात कर लो। हेलो हेलो, बोलो। नंबर दू? नंबर चाहिए तुम्हें? पापा का नंबर दू मैं? हेलो हेलो भाई, बात कर लो ना। अरे भाई तू नंबर दे दे यार, मैं कर लूंगा बात बाद में आराम से। अच्छा सुनो, और वो जो उस दिन टिक्की वाले के पास भी तुमने बोला था ना, इस लड़की का भी नंबर ला दे, सोनिया नाम है इनका, बात कर लो। हाय प्रियांश, क्यों चाहिए आपको मेरा नंबर? अरे वो अखिलो से कर ले बात। पागल आदमी यार, तुझसे बात करा यार, तू नंबर मांग रहा था, मतलब से ऐसे थोड़ी बात कर सकता हूँ? फिर कैसे बात कर सकते हो? गरारे करके फोन करोगे क्या ऑटो नील के? हैं, तुमने हमारी जान में लकड़ी का रखी है, तो कभी तुम्हारे को टिक्की वाली पे कोई लड़की दिख जाती है, कभी तुम्हें मदर डेयरी पे कोई लड़की दिख जाती है, कभी कहीं पे दिख जाती है। हेलो, कोई लड़की तुमने परवल लेते हुए भी देखी थी क्या? हैं, ये मैडम बात करने जरा। हेलो प्रियांश, नंबर चाहिए तुम्हें? पहले अपनी बहन का नंबर दो मुझे। मैडम वो उनसे बात करा दो आप। हेलो, किसी बात कराया था थोड़ा सा। अच्छा, मैं हूँ ये चू आदमी जो तुम बोल रहे हो? हैं, तुम ना हो, शट अप कर लो यार। तुम मैंने तेरा नंबर कब दिया? मेरे को लड़के फोन करते रात को 3:30 बजे, पता फोन करके कहते किसी नंबर लड़की नंबर दे दे यार, तो मैं बिचौलिया हूँ यहाँ पे होगा। अच्छा है यार, तुम आज ऐसा है, सुनो मेरी बात सुनो, तुम बात करके रहोगे आज। वो जो परवल ले रही थी उदाहरण मैडम, आना बात करूँ। हेलो, हाँ जी। हाँ प्रियांश, हाँ जी बोलिए। क्या क्या बात करनी थी तुम्हें, बताओ ना। अरे मैडम ये पता नहीं गलत गलत बातें बोल रहा है, मैंने ऐसा कभी नहीं बोला किसी को कि बात करनी है मुझे। तुम बताओ तो क्या बात क्या करनी है, बताओ ना पहले मुझे, मैं भी बात करना चाह रही हूँ तुमसे। अरे मैडम मैं ये देखो वो गलत आदमी है, वो आपको गलत वो गलत गलत बातें बोलता है लोगों के। हाँ मैं गलत आदमी हूँ, छिपकलियों को प्रेग्नेंट करवा दिया है, मेरे मम्मी पापा के ट्रू कॉलर पे मौज बहार नाम आते हैं। पहले ये बता, तेरे से जैसा जलील आदमी नहीं देगा पूरे मोहल्ले में, तूने क्या नाम से मेरा नंबर बिकवा रखा है, बिटवा रखा है, बताइयो। तू क्या बैंडी वाला हो गया, साले हर लड़की को अपने पास बिठा के रखा हुआ है। मेरे को अब ये सुन मेरी बात, मेरे को ये बता मैं अपने पापा को क्या बोलूं, मौज बहार कौन है, क्या है, क्यों है? ठीक है, बाप तेरा है मेरा। अभी तक तो मैं इन तीन लड़कियों से तेरी फोन पे बात कर रहा था, इसको घर लेकर आ रहा हूँ शाम को तेरे पास। अरे पागल है, दिमाग से पहले 6:40 पे देखियो तू।
46 में क्या होगा? बैंड बजेगा आपका जो अभी रिकॉर्ड हुआ है। हेलो। हाँ जी भाई, मैं आशीष बोल रहा हूँ, दिल्ली का कड़क लौंडा। भाई नंबर बड़े मांगते। आज हम जिनका बैंड बजाने जा रहे हैं उनका नाम होता है सुब्रमण्यम जी, और ये अपनी सुपुत्री के लिए एक लड़का ढूंढ रहे हैं जो बोलने में बहुत ही अच्छा हो, बैकग्राउंड बहुत अच्छा हो फैमिली का, और साथ ही साथ कमाता भी थोड़ा अच्छा खासा हो। तो अब ऐसे में नहीं, हमारे में तो ऐसी कोई भी क्वालिटी नहीं है, लेकिन फिर भी बैंड बजा रहे। हेलो। हेलो, गुड आफ्टरनून, आई एम टॉकिंग मिस्टर सुब्रमण्यम। या सो दिस साइड वेंकटेश्वर, एंड आई टोल्ड यू दैट वी हैव अ बिजनेस ऑफ ज्वेलरी in Bangalore. In Bangalore plus in Delhi. What of Delhi you are in living? We are staying in Greater Kailash. GK, okay, great. How old is the business of yours? Probably 35 years. Okay, where did you see her this thing in the Tamil matrimony or Bar matrimony? Yeah, Tamil matrimony. So, okay, what is your background? You have done your education in Delhi. What did you do? Actually, I have done my MBA from London. Okay. Plus, I'm doing a PhD. From where this PhD is being done? Actually, I'm doing it from the German University. German University. Yeah. MBA London was a full-time course? Yeah, full-time course. Before that, I was in Dubai. Sharjah School. What I want is, I don't know whether you know a background, I'm basically a chartered accountant. Okay. Daughter is a chartered accountant. Okay. And second daughter is an engineer. Very nice. And I got a housewife. Very nice. Okay, now the point is, I'm little conservative. So, but I'm sure looking at my profile, you'll be really interested, and we also happen to have a very no issues. Joint family. Mm-hmm. So, we have a good background. So, but the only thing is, after marriage, because I believe we should be open-minded. After marriage, I want to be a house husband. You want? I want to be a house husband. House husband? You don't want to work? No. I want to take care of the kids, take care of my wife. She's going for work. I'll prepare food because I really like to cook. So I'll... Where will the earnings come? Wife will bring the earnings. For earnings, my wife's going to work. So you want to be a house husband. This is a new concept. Yeah. Anyway. It's not a new concept, but it's just that I want to be a homemaker. Ghar pe baithenge. I mean, conceptually, it's too... I think it's not fixed. Do you have any issues if I want to be a house husband? Main ghar pe rehke khyal rakhna chahta hun karwa chauth pe. Ideally, if you ask me, no. I'm a hardcore professional. But sir, aapko nahi lagta ki jaise karwa chauth pe main khana bana ke de raha hun unko, wife ko? I think no woman would like a man sitting at home. Let me be very clear with you. Personally, frank opinion, I'm not very happy. Okay, Subramaniam ji. Main bahut time se aapse baat karna chah raha tha. लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे करूं। डू यू नो कस्तूरी? कस्तूरी द वन हु वर्क्स विद 93.5 रेड एफएम। या कस्तूरी इज देयर। करेक्ट 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 करेक्ट।